देश के बहुचर्चित आसाराम प्रकरण में फैसला आने में महज 2 दिन बचे हैं। समर्थकों के उत्पात को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर आसाराम को जोधपुर जेल में ही फैसला सुनाया जाएगा। वहीं फैसले की तिथि निकट आने के साथ ही जोधपुर पुलिस की परेशानी बढ़ चुकी है। प्रशासन और पुलिस अमले के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं कि किस तरह आसाराम के समर्थकों को जोधपुर आने से रोका जाए। पुलिस ने आसाराम के समर्थकों को शहर में प्रवेश से रोकने के पूरे इंतजाम किए हैं। इसके बावजूद पुलिस को घबराहट है कि समर्थक किसी भी तरह से शहर में प्रवेश न कर जाएं। अपने गुरुकुल के एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम पर जोधपुर की एक अदालत में 4.5 साल से मुकदमा चल रहा है। अब इस मामले का फैसला 25 अप्रैल को सुनाया जाएगा। आसाराम समर्थकों के शहर में उत्पात मचाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हाईकोर्ट में अपील की कि इस केस का फैसला जेल में ही सुनाया जाए। हाईकोर्ट ने पुलिस के आग्रह को स्वीकार कर फैसला जेल में सुनाने का आदेश दिया। आसाराम को फैसला सुनाने के लिए बुधवार को जेल परिसर में ही कोर्ट लगेगी। आसाराम की बैरक के निकट ही स्थापित टाडा कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट के चुनिंदा कर्मचारियों और दोनों पक्षों के वकील के अलावा किसी अन्य को प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं आसाराम केस के फैसले के दिन बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के जोधपुर पहुंचने की संभावना है। आसाराम के समर्थक पूर्व में भी कई बार हुड़दंग मचा चुके हैं। ऐसे में गत वर्ष गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा से सबक लेते हुए जोधपुर पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। जोधपुर शहर में पहले से ही 10 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। आसाराम के पाल और मणाई आश्रम में पुलिस का पहरा बैठा दिया है। शहर के विभिन्न नाकों पर पुलिस की नजरें टिकी हैं। हर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। सोमवार से समर्थकों के जोधपुर आने की आशंका में आज पुलिस ने रेलवे बस स्टैंड और निजी बस स्टैंड पर खास तौर पर नजर बनाई हुई है। सुबह से ही पुलिस सादा वर्दी में समर्थकों पर नजर लगाए बैठी है। पुलिस आसाराम समर्थकों को रोकने के लिए भरसक प्रयास में जुटी है। इसके लिए रेलवे रोडवेज और निजी बस वालों से भी पुलिस ने वार्ता की ताकि उनके समर्थकों को जोधपुर में सुनवाई के समय आने से रोका जा सके। पुलिस के अधिकारियों ने सुबह पुलिस लाइन सभागार में अफसरों के साथ बैठक कर आसाराम केस को लेकर रणनीति तय की।